नकली भारतीय सिक्के के इंटर स्टेट सिंडिकेट में शामिल एक सदस्य को मुंबई से स्पेशल सेल की टीम ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 9,46,000 रुपए के 10 रुपए वाले सिक्के भी बरामद किए हैं। इस मामले में गिरफ्तार आरोपी की पहचान जिग्नेश काला के रूप में की गई है। इसकी गिरफ्तारी अप्रैल 2022 में पर्दाफाश किए गए पिछले मॉड्यूल की आगे की जाँच के बाद हुई है, जिसमें 10.48 लाख मूल्य के सिक्के बरामद किए गए थे। उसी दौरान नकली सिक्के बनाने की फैक्ट्री का भी हरियाणा में भंडाफोड़ किया गया था। डीसीपी इंगित प्रताप सिंह ने बताया कि पिछले साल अप्रैल में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की टीम ने पूरे भारत में चल रहे नकली सिक्के के गोरख धंधे के एक इंटरस्टेट सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया था। उसमें रैकेट के मास्टरमाइंड नरेश कुमार को गिरफ्तार किया गया था और स्पेशल सेल में एक FIR दर्ज किया गया था। उससे पूछताछ के आधार पर सिक्के के नकली फैक्ट्री और गोदाम के बारे में पता चला, जो हरियाणा के चरखी दादरी के गांव इमलोता में चरखी दादरी में रेड करके 4 को गिरफ्तार किया गया। यहां 5, 10 और 20 रुपए के सिक्के बनाए जा रहे थे। उसके लिए मशीनें और कच्चा सामान आदि रखा हुआ था। आरोपियों की जांच के दौरान ये पता चला कि इस सिंडिकेट द्वारा बड़ी मात्रा में नकली सिक्के बनाए गए, जो मुंबई समेत पूरे देश में विभिन्न स्थानों पर सप्लाई किए गए थे। छानबीन में पूरे सिंडिकेट के सदस्यों का पता लगाने के लिए जांच की गई तो मुंबई के एक जिग्नेश काला की संलिप्तता और उसकी मिलीभगत के बारे में पता चला। जिग्नेश का ठिकाना मुंबई में था। इंस्पेक्टर सोमिल शर्मा, SI प्रहलाद, सवीन खरब, हेड कांस्टेबल प्रमोद कुमार, मनीष कुमार और मुकेश कुमार की टीम का गठन किया गया और मुंबई भेजा गया। वहां गुप्त सूचना पर जिग्नेश काला को मुंबई के मलाड पूर्व से गिरफ्तार किया गया। उससे गहन पूछताछ की गई तो उसने नरेश कुमार के माध्यम से नकली सिक्के की कई खेप प्राप्त करने की बात स्वीकार की। उसके बाद स्पेशल सेल की टीम ने आरोपी की निशानदेही पर 10 रुपए वाले 9,46,000 का सिक्का बरामद किया, जो उसके रेजिडेंशियल सोसाइटी में खड़ी इको वैन में रखा हुआ था। कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी जिग्नेश गाला ने खुलासा किया कि वो पिछले 7-8 सालों से नकली सिक्कों को खरीदने और आगे डिस्पोजल में शामिल था। पहले वो सूरत में बैंकों, लोकल व्यापारियों से सिक्के इकट्ठा करता था, फिर गलत संपर्क होने पर वो इस गोरख धंधे के मास्टरमाइंड नरेश कुमार के संपर्क में आ गया। नरेश अलग अलग यात्री बसों के जरिए जयपुर से मुंबई तक सिक्कों की खेप पहुंचाता था। बाद में उसने ट्रेवल एजेंटों के जरिए भी ऐसी खेप भेजना शुरू किया। लगभग 2 वर्षों में उन्होंने लगभग 15 से 16 ऐसी खेप प्राप्त की और खुले बाजार में उसका डिस्पोजल किया। दिल्ली से पंजाब केसरी टीवी के लिए नवीन कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।